आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तरफ से एक उत्तर पूर्वांचल के सांसद होने के नाते मणिपुर के इस महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव पर मैं पहला वक्ता था। आज भाजपा के पास मणिपुर के दो सांसद हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं। क्यों मणिपुर के सांसदों को आज बोलने नहीं दिया? क्यों उनका मुंह बंद करके रखा है? उत्तर पूर्वांचल से भाजपा के कितने सांसद हैं? असम से कितने हैं? अरुणाचल से कितने हैं? क्यों आज उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसदों को पहले बोलने से उनका जो अधिकार बनता है, विशेष रूप से इस चर्चा में, उस अधिकार को क्यों उन्होंने हनन किया? तो मुझे लगता है कि आज पूरी रणनीति में बीजेपी मणिपुर के संदर्भ में अपनी भूमिका को छुपाना चाहती है। जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री से तीन सवाल, आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर लगभग 80 दिन तक क्यों चुप रहे और बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए? और तीसरा सवाल कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को आज तक क्यों नहीं बर्खास्त किया? इन तीन सवालों के तीन उत्तर। प्रथम, कि वो जानते हैं कि मणिपुर में उनकी मुख्यमंत्री विभिन्न सिंडिकेट के साथ जुड़ी हुई है और उनको बर्खास्त करने का मतलब होगा कि भाजपा की डबल इंजन की जो स्लोगन है उसमें एक बड़ा उनको झटका लगेगा। दूसरा, कि गृह मंत्री और राज्य सुरक्षा सलाहकार विफल रहे हैं। आज मणिपुर में मणिपुर पुलिस जो मुख्यमंत्री के निर्देश में काम करती है और असम राइफल जो गृह मंत्री के निर्देश में काम करती है, आज दोनों के बीच में संतुलन नहीं बैठ रहा और दोनों के बीच में आज मणिपुर को फुटबॉल की तरह कभी यहाँ से वहां खेला जाता है, कभी यहाँ से वहां खेला जाता है, जिसका असर मणिपुर के महिलाओं और बच्चों पे पड़ रहा है। और तीसरा, कि अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया, अगर गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सवाल पूछे गए, तो तीसरा कारण जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है कि उनकी खुद की छवि बदनाम होगी। 56 इंच का सीना छोटा पड़ गया मणिपुर के बेटियों को बचाने में और अपनी ही छवि को आज वो मणिपुर की महिला के अस्मिता से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है।